फ्रेंड्स, आज मैं एंड्रयू मार्वेल कलिका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटाफिजिकल पोएम को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है टू हिज कॉमिस्ट्रेस। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे मेटाफिजिकल पोएम क्यों कहा जाता है। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल, ऐसे सारे चीज़ें जो आप फिजिकली छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। मतलब आपकी जो सेंस है, पांचवी इंद्रिय है, उससे आप देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो। आपको सिर्फ आपका सिक्स सेंस के द्वारा महसूस कर सकते हो, इसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अगर मैं आपको कहूँ कि लव, गॉड, ये सारी चीज़ें देख नहीं सकते हो, आप छू नहीं सकते हो, लेकिन सिक्स सेंस के द्वारा आप महसूस कर सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को मेटाफिजिकल कहा जाता है। तो टू हिज कॉमिस्ट्रेस जो है, इसका जो मेन थीम है वो है लव। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। इस पोएम को माना जाता है कि 1650 से 1652 के बीच लिखा गया था और 1681 में इसे पब्लिश किया गया था। इस पोएम का मेन जो थीम है वो ये है कि पोएट जो है वो अपने बिलवेड से, अपने महबूबा से कहना चाहता है कि देखो, ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ही छोटी है, वक्त गुजरता जा रहा है और हमें जितनी जल्दी चाहे, जितनी जल्दी हो सके, हमारी जो संबंध है, हमारी दोनों के बीच जो रिलेशन है, इसे मधुर से मधुर बनाना चाहिए। तो इसका टाइटल देखिए, टू हिज कॉमिस्ट्रेस। तो पोएट अपने कॉय का मतलब होता है शाइनेस, लज्जा करने वाली। तो यहाँ पर उनकी जो महबूबा है, जो मिस्ट्रेस है, वो बहुत ही शर्मीली है, इसलिए वो कन्विंस करना चाहते हैं अपनी महबूबा से कि इतना शर्माने से नहीं चलेगी, ज़िंदगी छोटी है, हमें अपने प्यार को बहुत जल्दी इजहार करना चाहिए और फिज़िकल रिलेशन या फिर प्यार को जाहिर करने की जितने भी तरीका है फिज़िकली हम कर सकते हैं, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, ज़िंदगी छोटी है, शरमाते शरमाते ज़िंदगी गुजर जाएगी, फिर बाद में हमें पछताना पड़ेगा। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, पोएट अपने महबूबा से पूछ रहे हैं। हैड का मतलब यहाँ इफ़, तो क्या हमारे पास इतना वक्त है इस दुनिया में जीने के लिए, क्या हमारे पास इतना वक्त है। दिस कॉइनेस लेडी वेर नो क्राइम, अगर उतना वक्त होता तो तुम्हारा ये शरमाना जायज होता, तब ये कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन जबकि ज़िंदगी छोटी है और तुम इतनी शर्मीली हो, तब ये एक क्राइम है। वी शुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक, अगर हमारे पास बहुत वक्त होता, ज़िंदगी बहुत बड़ा होता, तो हम लोग क्या करते, एक जगह बैठ जाते और हम लोग सोचते कहाँ हमें जाना है, एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे, और हम ये सोच लेते कि चलो यार, मोहब्बत करने के लिए बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी बहुत टाइम है हाथ में, तो इस लॉन्ग लव्स डे को किस तरह से टाइम पास किया जाए, हम लोग बहुत कुछ सोचते। जैसे दाउ बाई द इंडियन गंजे साइड शुड्स रूबीज फाइंड, तुम क्या करते इंडिया में गंगा नदी के किनारे क्या करते, रूबी होता है एक तरह का, आप कह सकते हो पत्थर, रत्न होता है, तो तुम क्या करते इस वक्त को गुजारने के लिए, इंडियन गंजेस के साइड में जाके रूबी ढूंढते। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं क्या करता, हम्बर एक इंग्लैंड का नदी का नाम है, तो मैं क्या करता इंग्लैंड के हम्बर नदी किनारे बैठ के, कंप्लेन मतलब यहाँ कविता लिखना, बैठ बैठ के कविता लिखता, क्योंकि हम ये सोचते कि हमारे पास बहुत वक्त है। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, और हमारे पास इतना वक्त होता है। यहाँ पर देखिए, पोएट ने दिखाने की कोशिश किया है, एक तरह से अगर देखा जाए तो पोएट क्या मांग रहा है, फिज़िकल रिलेशन या फिर एक संबंध जोड़ना चाहते हैं अपने महबूबा से, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अगर इस तरह का कन्विंस किया जाए अपने महबूबा से तो शायद वो गलत सोच सकती है, इसलिए पोएट जो है यहाँ पर उन्हें खुल के बताना चाहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये लाइन दिया है कि आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, और हमारी प्यार की शुरुआत हो चुका होता
फ्लड का मतलब होता है, यहाँ पर बाइबल से एक रेफरेंस लिया गया है, दुनिया को जब बनाया गया था तो जो नोआ था उसके हाथ में गॉड ने, खुदा ने क्या किया था, एक जिम्मेदारी दिया था, एक फ्लड लाया गया था और दुनिया में जितने सारे ख़राब गंदे इंसान थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, दुनिया को रिक्रिएट किया गया था। तो उस वक्त का बाद यहाँ पर बताया गया है, फ्लड के बारे में बताया गया। तो उस फ्लड से भी मैं 10 साल पहले तुम्हें प्यार करना शुरू कर देता। एंड यू शूड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। और तुम्हारे हाथ में भी इतना वक्त होता, और अगर मेरे प्यार जब मैं तुम्हें जाहिर करता, अगर तुम्हें पसंद होता तो तुम क्या करते, द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। यहाँ भी बाइबल से रेफरेंस लिया गया है। कहा जाता है बाइबल में कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी, मतलब जब कयामत आएगी, तो सारे ज्यूज जो है, यहूदी जो है, कन्वर्जन का मतलब होता है वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, क्रिश्चियनिटी में। तो सारे के सारे ज्यूज कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियनिटी में। तो उस वक्त तक शायद हमारे पास वक्त होता, कयामत के दिन तक, तो इतना वक्त हमको अगर हम लोगों को मिलता। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर दैन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। यहाँ पर वेजिटेबल लव इसलिए कहा गया है कि इन लोगों का जो लव है ये फिज़िकल नहीं है, मतलब अभी इन दोनों में कोई फिज़िकल संबंध नहीं बना है। तो जैसे वेज या नॉन वेज हम लोग कहते हैं, यहाँ पर वेजिटेबल लव का मतलब होता है ये प्योर लव के बारे में तुम बता रहे हो। ये जो हमारे वेजिटेबल लव है, तब हमें बहुत वक्त मिल जाता और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता। किस तरह से, जिस तरह से एक एम्पायर खड़ा होता है बहुत ही स्लो स्लो, तब हम इस तरह से चल सकते थे। एंड 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज दाइन आइज। और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि अगर हमें वक्त मिलता तो शायद तुम्हारी जो आँखें हैं, इस दोनों आँखें को मैं प्रेज मतलब प्रशंसा करना, इतना तारीफ करता कि 100 साल तो मैं तुम्हारी सिर्फ आँखों की तारीफ में लगा देता। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और मैं तुम्हारे फोरहेड की तरफ देखता ही जाता, देखता ही जाता। 200 टू एडोर ईच ब्रेस्ट। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपनी महबूबा को पोएट जो है वो समझा रहे, कन्विंस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करता हूँ। वो बता रहे हैं कि 200 साल तो मैं तुम्हारे, एडोर का मतलब यहाँ भी प्रशंसा करना, प्यार करना। तो वो कह रहा है कि 200 साल तो मैं ईच ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट का प्रशंसा करने में लगा देता। तो दोनों ब्रेस्ट का प्रशंसा करने के लिए उन्हें 400 साल लग जाता। दोस्तों ये एक लिटरेचर है, तो यहाँ पर शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिटरेचर में यहाँ पर जबकि एक लव पोएम है तो पोएट ने, और ये एक बहुत ही मैच्योर लेवल का पोएट्री है, तो जाहिर सी बात है पोएट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ लिटरेचर को लिटरेचर की तरह समझने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए, लव की जो गहराई है उसे समझने के लिए ये सारे वर्ड्स और ये सारे जो रेफरेंस है यहाँ पर दिया है। उसके बाद वो बताते हैं, बट 30,000 टू द रेस्ट, और बाकी 30,000 साल तुम्हारी बाकी जो बॉडी पार्ट है उसे प्रशंसा करने में मैं लगा देता। एंड एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, और तुम्हारी पूरी बॉडी का हर एक पार्ट के लिए कम से कम एक एज तो लग ही जाता। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और जो हमारी ज़िंदगी को जो लास्ट एज होता वो तो मैं तुम्हारे हृदय को दिखाने के लिए, हृदय का प्रशंसा करने में लगा देता। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट, और ये मत समझना कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तुम डिज़र्व करते हो यार, तुम इस लायक हो, तुम इतनी खूबसूरत हो मेरे लिए, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम इस लायक हो कि इतने सारे साल ज़िंदगी के मैं तुम्हारी प्रशंसा में बिता दूँ और तुम्हारी प्रशंसा करने में लगा दूँ। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, मेरा जो प्यार का जो रेट है वो कम नहीं है। उसके बाद वाला स्टांजा में पोएट बताते हैं, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हेयर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, कि मैं हमेशा सुनता हूँ पीछे से जो है, चैरियट का मतलब यहाँ पर रथ, तो रथ में टाइम जो है वो हमारे पीछे भाग रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, ज़िंदगी ख़त्म होने को है। एंड yonder ऑल बिफोर आज लाई deserts ऑफ vast eternity, मौत के बाद जो डेजर्ट आने वाला है उसे क्रॉस करने के पहले, मतलब यहाँ मृत्यु, लाई का मतलब सो जाना, तो डेजर्ट में सोने से पहले हमारे पास ज़िंदगी अभी भी बाकी है। उस डेजर्ट में, वास्ट इटर्निटी का मतलब मौत की बात की जो ज़िंदगी है, उससे पहुँचने से पहले हमारे हाथ में जो टाइम है वो बहुत ही कम है। दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, जब तुम मर जाओगे तुम्हारी जो खूबसूरती है वो वापस नहीं मिलेगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी।
तुम ढूंढ नहीं पाओगे इस खूबसूरती को, नॉर इन दाई मार्वल वॉल्ट। मार्वल वॉल्ट का मतलब होता है कबर। कबर में देखिएगा कि मार्बल से बनाया जाता है उसको। तो कहा जा रहा है ये जो खूबसूरती है कबर में भी तुम्हें नहीं मिलेगी, ये जो शरीर है वो ख़त्म हो जाएगी। शैल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग, और कबर में मैं जब तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, कविता लिखूंगा या फिर तुम्हारा प्रशंसा करूंगा तो तुम्हें सुनाई नहीं देगी क्योंकि तुम कबर में रहोगे। देन वॉर्म शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, और ये जो तुम वर्जिन हो और अपना वर्जिनिटी को तुम छुपा के रख रही हो और तुम वर्जिनिटी को लूज नहीं करना चाहते हो, तब देखना कबर में ना वॉर्म्स मतलब होता है कीड़े इस वर्जिनिटी का मजा लूटेंगे। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और ये जो तुम गुरूर है, क्वेंट ऑनर का मतलब होता है खूबसूरती का गुरूर, ये जो तुम्हारे अंदर खूबसूरती का गुरूर है ये भी धूल में मिट्टी में मिल जाएगी। एंड इन टू एशेस ऑल माई लास्ट, लास्ट का मतलब होता है यहाँ लालचा, मेरे अंदर जो लालसा है तुम्हें पाने की, जो जज्बा है तुम्हें मोहब्बत करने की, प्यार करने की, मेरे अंदर जो चाहत है ये भी क्या हो जाएगी, एशेस मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। द ग्रेव्स आ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। मुझे पता है कबर सबसे लोनली प्लेस है, फाइन प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है कि कबर में जाके कोई अपना मोहब्बत को जाहिर कर सकता है या फिर एक दूसरे से कोई संबंध बना सकता है, एक दूसरा कोई अपना मन का बात सुन सकता है। कबर में चले जाओ मतलब सब कुछ खत्म। नाउ देयरफॉर, और इसीलिए, व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, देखो खूबसूरत सुबह का ओश की तरह ये जो तुम्हारा शरीर है, ये जो तुम्हारा स्किन है, अभी तुम यूथ हो तो चमक रही है, तुम्हारा स्किन ग्लो कर रही है। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स एट एवरी पोर विथ इंस्टेंट फायर्स, और अभी देखो हम दोनों या फिर तुम कहो या हमारी जो आत्मा है, सोल है, वो अभी क्या है, फायरिंग मूड में, मतलब एकदम हम लोग अभी यंग है, हमारे अंदर जो चाहत है वो डिज़ायर है, वो बर्निंग डिज़ायर है, तो हमें अभी इसको काम में लगाना चाहिए। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस व्हाइल वी मे, अभी हम लोग खेल सकते हैं, अभी हम लोग अपनी मन की चाहत को पूरी कर सकते हैं, तो चलो अभी व्हाइल वी मे अभी हम लोग कर सकते हैं। एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, एमोरस बर्ड्स क्या होता है, एक बहुत अच्छे शिकारी पक्षी होते हैं जो एकदम वक्त ज़ाया नहीं करता है, वो किसी भी शिकार को देखता है ना तो तुरंत झपट लेता है। तो आओ हम लोग भी क्या करें, एमोरस बर्ड्स की तरह हमारे अंदर जो चाहत है उस तरह हम लोग इसे यूज़ कर ले, हमारे अंदर का जो चाहत है इसे हम लोग पूरी कर ले, एमोरस बर्ड्स की तरह वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी जल्दी जो करना है हमारी जो मोहब्बत के उसे जाहिर कर दे। रैदर एट वॉन्स आवर टाइम डिवोर द लिंग्विज इन हिज स्लो चैप्ड पावर, वक्त क्या करेगा, स्लो चैप्ड पावर मतलब उसका जो शक्ति है, वक्त का जो शक्ति है उसके द्वारा हमें ख़त्म कर रही है। रैदर एट वॉन्स आवर टाइम डिवोर, डिवोर का मतलब होता है खा लेना, तो एक इमारस बर्ड्स क्या करता है अपना प्रे को जिस तरह से खा लेता है, वक्त भी हमें उसी तरह निगल रहा है। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इन टू वन बॉल, हम लोग चलो वन बॉल का मतलब एक दुनिया बना ले, अपनी तुम और हम दोनों की सोल मिला के एक अलग से दुनिया हम लोग बनाना चाहेंगे, चलो दोनों मिलके खुशी से राजी होके एक दुनिया बना लेते, अपने अंदर जितने पावर है, स्वीटनेस है, उसे एक साथ इकट्ठा करके एक दुनिया बना लेते जिसमें सिर्फ तुम और हम रहेंगे और हमारी मनोकामनाएं हम लोग पूरी करेंगे, हमारे दो जिस्म को एक बना लेंगे। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, ये जो हमारी जकड़ी हुई ज़िंदगी है, ये जो हमारी सोच है, इसे तोड़ना है। तुम सोच रहे हो कि वर्जिन रहना ही सबसे अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम इतनी शाइनेस दिखाओगे, जब तक तुम शर्मीली बन के रहोगे, इस आयरन गेट को तोड़ के बाहर आओ और जितना प्लेजर है आओ हम लोग महसूस कर लें, इस मनोहर लाइफ को हमें इन्जॉय करनी चाहिए विथ रफ स्ट्राइप, क्योंकि बुरी वक्त आने वाला है और हम लोग बूढ़े होने वाले हैं। दस दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टील येट वी विल मेक हिम रन, अब तुम सोचोगे ये सब करके क्या हम वक्त को रोक सकते हैं, तो यहाँ पर बताना चाहते कि हम लोग ये सब करके वक्त को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि वक्त को हम लोग भगा सकते हैं, वक्त के पीछे हम लोग जा सकते हैं, वक्त को हम लोग महसूस कर सकते हैं, वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं, और मृत्यु से पहले हमें जो करना चाहिए वो हम कर सकते हैं।